हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज का वीडियो मैं आपको अपने स्टूडियो का टूर दे रही हूँ स्टूडियो एज एन मैंने एक छोटे से अपने आई मीन यू नो छोटे से रूम को ही कन्वर्ट कर लिया है आर्ट स्टूडियो में बिकॉज uh, बेटर होता है जब भी आप आर्ट कर रहे हो आसपास अगर आपके यू नो सामान सब कुछ एक जगह है तो आप बहुत ईजीली बना सकते हो सो so, स्टार्ट करते हैं uh, आप देख सकते हो ऑल राइट सो एज यू कैन सी ये मैंने एक ईजिल लिया था ये मैंने दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास महारानी बाग में एक शॉप है काफ़ी फेमस आर्ट गैलरी आई मीन I mean, आर्ट शॉप है शकुन स्टेशनरीज एंड आर्ट वर्क करके सो so, मैंने वहाँ से लिया था समवेयर अराउंड मुझे ये सेवेंटीन हंड्रेड का था एंड आप ऑनलाइन भी ले सकते हो अमेज़ॉन पे। काफ़ी अच्छे रेट पे आपको मिल सकता है आ, और ये साथ में मैंने एक एम बोर्ड भी लिया था ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं है आप चाहे तो और बड़ा साइज़ ले सकते हैं इन केस अगर आप यू नो ज़्यादा बड़ी पेंटिंग्स बनाते हैं मेरी नॉर्मली मीडियम साइज पेंटिंग्स होती हैं ये अभी अनफिनिश्ड वर्क है ऑयल पेंटिंग बुद्धा जी का मैं कर रही थी सो so ये अभी हाफ फिनिश्ड है एंड अगर ईजल और टेबल का कंपैरिजन करना होगा तो एनी डे आई वुड से पेंटिंग्स के लिए ईजल मच बेटर है एंड आपको नॉर्मल स्केचिंग या ड्रॉइंग करनी है सो आई वुड रिकमेंड कि आई थिंक टेबल पर भी वो बहुत कन्वीनियंटली हो जाती है बट पेंटिंग में उतना इफ़ेक्ट नहीं आता है सो क्योंकि बार बार आपको पेंटिंग में आपको देखना पड़ता है सो इट्स बेटर कि आपके आई लेवल पर रहता है तो आप इजिली बार बार देख सकते हो कि यू नो एक कलर या एक एरिया आपने फिनिश किया तो वो कैसी पेंटिंग लग रही है इट्स बेटर कि आप ईजल uh, ले लें अगर आप काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग करते हैं अदरवाइज टेबल इज़ फाइन एंड ये आप देख सकते हो ये मोस्टली मैं ऑयल पेंटिंग्स या पेंसिल कलर से ही कर रही हूँ बट अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट करने जा रही हूँ uh, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ये एक्रेलिक कलर्स ये मैंने अभी रिसेंटली ही लिए हैं सो कैमल के हैं आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर एंड मैंने इंडिविजुअल कलर्स ही लिए थे बिकॉज जो मुझे लगा मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी वो कलर्स ही ले लिए ऑब्वियसली प्राइमरी कलर्स तो सारे लिए हैं बाकी मैंने गोल्ड ले लिया है एंड ये एक फ्लूड एक्रेलिक लिया है पोरिंग मीडियम तो जस्ट टू ट्राई की आ, पोर वाला जो आ, पेंटिंग टेक्निक होता है एक्रेलिक का वो इससे बेटर आएगा अदरवाइज आप क्यूब से भी बना सकते हो बट मैंने ये ट्राई करने के लिए लिया है एंड ऑब्वियसली आपसे रिजल्ट ज़रूर शेयर करूँगी अगर अच्छी पेंटिंग बनती है तो आई शो यू अब बुरी भी बनती है तो भी बताऊँगी कि क्या प्रॉब्लम आई मुझे एंड ये कोटिंग के लिए वार्निश कोटिंग के लिए है ऑयल पेंट्स एंड एक्रिलिक पेंटिंग्स के लिए सो so, ये ब्रांड आप देख सकते हो विंसर एंड न्यूटन का है प्लस uh, ये मैंने रेजन uh, लिए थे आर्ट रेजनस अभी मैंने बनाया नहीं है ये uh, बट मैंने एक ट्रे लिया था ट्रे एंड उसके आ, कोस्टर्स कंप्लीट करने के लिए सो so, ये भी मैं रिसेंटली आई मीन यू नो जल्दी करने वाली हूँ सो so, मैं आपको बताऊँगी ई पॉक के हैं ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था प्लस एंड ये मैंने अक्रीलिक कलर्स के साथ ही न्यू ब्रशेस का सेट लिया है राउंड एंड फ्लैट दोनों हैं ये न्यू मैंने इसलिए लिया क्योंकि मोस्टली मेरे सारे ब्रशेस मोस्टली मैंने सारे ऑयल पेंट्स के लिए यूज़ कर दिए हैं तो ऑब्वियसली आप एक बार ऑयल पेंट्स में यूज़ कर लेते हो तो आप मिक्स नहीं कर सकते एंड प्लस ये मेरा ट्रे ऑयल पेंट्स का है काफ़ी ख़राब हो चुका है एंड ये भी है जो अभी मैं रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ और ये मैं मोस्टली पैलेट नाइवस भी हैं प्लस ब्रशेज़ हैं ये एक्चुअली मैं अभी कर रही थी इसलिए ये ऐसे ही रखा हुआ है एंड सो शी इज़ माइ डॉटर मायरा से हाई मायरा से हाई अरे और राइट नो प्रॉब्लम क्या है ये ओके okay, सो so ये आपका यूनिकॉर्न है राइट और राइट ओके सो ये मिक्सिंग ट्रे है मेरी प्लस ये पेंसिल कलर्स हैं मैंने काफ़ी सारे पेंसिल कलर के शॉर्ट्स में ही डाला है सो so, अगर आपको इसमें कुछ लर्न करना है आप बता सकते हो तो मैं वैसा वीडियो भी डाल सकती हूँ एंड दैट्स ऑल ये सारे पेंसिल कलर्स हैं ये आप देखोगे तो ये स्केचिंग के लिए हैं टूल्स ये मैंने अभी न्यू लिया है uh, ये आप देख सकते हो ये वाइट चारकोल पेंसिल्स हैं वाइट चारकोल हैं इसके लिए ये वाइट चारकोल अगर आप यूज करना चाहते हो तो इसके लिए एक ब्लैक मैंने कॉपी ली है आई शो यू ये है सो so, ये ये तो ऐसे ही है ये, ये मैंने बनाया था रियलिस्टिक आई प्लस टाइगर का फेस सो ये है ऑक्सफोर्ड की स्केच बुक ब्लैक शीट्स ये वाइट चाकोल के लिए एंड ये रबर uh, है ये आप ज़रूर रखिए अगर आप स्केचिंग करने में इंटरेस्टेड हैं इसे काफ़ी अच्छी से आप नीटली क्लीन कर सकते हो प्लस ये ब्लेंडिंग टूल्स हैं डिफरेंट साइजेस के एंड ये ब्लैक चाकोल पेंसिल्स हैं और ये बहुत छोटा सा क्यूट सा मैंने एक राउंड स्केच बुक लिया है सो so, ये आप देख सकते हो 135 का है बहुत छोटे हैं एंड उसमें 15 शीट्स हैं सो so, इसमें मैं बहुत जल्दी ड्राइंग करके आपसे वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कैसा लगता है एंड ये मैंने अभी कैमलिन की पेंसिल्स भी और ली हैं प्लस ये हैं चाकोल अगर आप चाहें तो पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज इसे एक पेपर पे रब करिए एंड कॉटन से आप जहाँ भी ड्राइंग में डार्कर एरियाज चाहते हो आप डायरेक्टली उसको कर सकते हैं इसे डायरेक्टली अप्लाई मत करना अदरवाइज़ वो बहुत ब्लैक हो जाता है सो so आप इसको एक पेपर में रब करके देन कॉटन से ब्लैक कलर लेके उसको आप अच्छी से स्मच uh, कर सकते हैं जहाँ पर भी आप करना चाहें बाकी मैंने अपने एक दो मैं और स्केचेस अपलोड करूँगी सो उसमें आई आई शो यू द टेक्निक कि इसको कैसे यूज़ करना है सो so ये हो गया एंड ये वाटर कलर है मैं मैंने एक दो पेंटिंग्स ही वाटर कलर से किए हैं सो so मैंने सबसे बेसिक वाले लिए थे वाटर कलर्स अभी रिसेंटली लिया है मैंने कैमलिन का ये स्टूडेंट्स का है बहुत सिंपल है ईज़ीली इनसे हो जाता है कन्वीनियंट है इससे पहले मैंने ट्यूब वाले भी लिए थे सो so, ये आर्टिस्टिक वाटर कलर्स लिए थे बट इनका मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है uh, उतना ज़्यादा मैंने नहीं बनाया बिकॉज कन्वीनियंट होता है कि अगर ये ऐसे केक शेप में अगर आप लेते हो तो आई थिंक ज़्यादा बेटर आता है ज़्यादा बेटर फील देता है प्लस मैं वाटर कलर्स इतना नहीं करती हूँ सो so, अभी मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी वाटर कलर के लिए ये मेरे ऑयल कलर्स हैं वाइट कलर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए मैंने ये सबसे बड़े साइज का लिया हुआ है आर्टिस्ट ऑयल कलर ये भी कैमल के ही हैं कुछ ऑयल कलर्स हैं बाकी ये वाला एक और छोटा बॉक्स भी लिया था मेरे कुछ कलर्स फिनिश हो रहे थे तो ये है कैमलिन का ये ओके सो ये ये तो मिक्सिंग पैलेट वाटर कलर के लिए है प्लस आई थिंक मैंने ये शो नहीं किया है ये है फाबर कैसल के ऑयल पेस्टल्स सो तो ये अभी अनटच्ड हैं मैं इसकी कोई पेंटिंग बनाऊंगी तो डेफिनेटली आपसे शेयर करूंगी ये कैसे हैं एंड ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है मैंने बाकी देखे थे बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के काफ़ी कॉस्टली आ रहे थे ट्वेंटी फाइव डिफरेंट शेड्स हैं कलर्स के एंड हार्डली वन थर्टी रुपीज़ का है सो इट्स वेरी नाइस आप ये ले सकते हैं प्लस ये मेरी है छोटी सी ए फाइव साइज़ की शीट ड्राइंग शीट जिसमें मैं पेंसिल कलर्स की ही स्केचिंग या ड्राइंग करती हूँ कुछ अनफिनिश्ड वर्क भी है लेट्स सी आल शो यू अगर आप मेरा वीडियोस देखते हैं तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कुछ पेंटिंग्स आप इग्नोर कर सकते हैं ये मेरी डॉटर ने बनाई है ये लीफ है और कुछ आई थिंक ओके या सो ये मेरा रिसेंट वर्क था राइट एंड right. ये मैंने एक्रिलिक से एक बार किए थे बट ये फिनिश्ड नहीं हैं कभी करूँगी इन्हें भी फिनिश कथकली फेस चैपनीज टॉल डांसर वटैवर एंड ये मैंने वाटर कलर ट्राई किया था ये शीट मैं आपको बताती हूँ काफ़ी अच्छी है अगर आप वाटर कलर में इंटरेस्टेड हैं तो ये रहे इसमें रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं ये शीट मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कौन सी है ये शीट सो आई थिंक ये है राइट सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कैंसिन के पेपर्स हैं ट्वेंटी फोर कॉर्स टू साइज एंड वन एटी है सो so, इन सब के मैं लिंक्स एक बार शेयर कर दूंगी आपसे सो so दैट आपको इजी है अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है आप इसे डायरेक्टली अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं प्लस ऑयल पेंटिंग के लिए मैं लेंसिड ऑयल यूज़ कर रही हूँ फिलहाल एंड टप एंड टाइल भी बहुत अच्छा होता है जनरली आप अगर दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो और भी बेटर है बट अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ से लेंसेज सही कर रही हूँ एंड ये सब मेरे ड्राइंग के वर्क्स हैं ये एक नॉर्मल सिंपल पेपर कॉपी है जिसमें मैं ऐसे ही रैंडम चीज़ें प्रैक्टिस कर रही होती हूँ परस्पेक्टिव ऐसे कुछ कुछ मैंने ऐसे ड्राइंग की हुई है इसमें पर्सपेक्टिव लर्न करने के लिए सो so आप चाहें तो आप भी एक सिंपल पेजेस की कॉपी रख सकते हैं कुछ नहीं है उसमें आप प्रैक्टिस करने के लिए जस्ट प्रैक्टिस वर्क ये मेरी है एक स्केच बुक ये मैंने पहले बनाए थे इसके एक भी वीडियोस नहीं हैं ये देखिए मैंने आई प्रैक्टिस की हुई है ये मैंने आई थिंक ट्वेंटी 2016 में आई बिलीव मैंने नीफा आर्ट एकेडमी ज्वाइन किया था यहीं नोएडा में तब मैंने ये सब लर्न किया था ये उस टाइम के सारे स्केचेस हैं उस टाइम पे एक्चुअली uh, मैंने वीडियोस नहीं बनाए हैं तो किसी की भी वीडियो नहीं होगी ये एक कर्टन है दिस इज लाइन ये कई सारे मेरे वर्क मेरे एफबी पेज पे भी अवेलेबल हैं अगर आप चाहें तो देख सकते हैं ये सब प्रैक्टिस है स्टिल लाइफ का प्रैक्टिस था प्लस ये मैंने वाटर रिपल्स और वाटर ड्रॉप बनाया था ये सबसे बेस्ट है ये मेरे मम्मी पापा का स्केच है जो कि उनके आई थिंक शादी के एक दो साल की बात की कोई पेंट फोटो थी उसको बहुत छोटी साइज की फ़ोटो थी उसको देख के मैंने ये स्केच किया है आई थिंक दैट्स इट और कोई वक्त ये एक वाइन ग्लास सीरीज में बनाया था एक और मेरे वाइन ग्लासेस थे वो पेंटिंग सोल्ड हो चुकी थी आई थिंक 2017 में ही आई गेस मैंने सोल्ड कर दी थी और ये मैंने अपनी डॉटर का पोट्रेट बनाया था एंड इस पोट्रेट की सबसे खास बात ये है कि ये मैंने हार्डली ट्वेंटी थर्टी मिनट्स में कंप्लीट किया था एंड विदाउट यूजिंग एनी रबर कुछ हाफ वर्क हैं कंप्लीटेड नहीं हैं दैट्स इट आई थिंक और कुछ नहीं है इसमें ओके okay, सो so ये दो हो गए ये फिगर स्टडी के लिए मैंने बुक ली है इसी में से मैं फिलहाल पोस्टर्स और फिगर ड्राइंग लर्न कर रही हूँ प्लस ये शीट है यस से हेलो दो नो नो ओके ग्रेट सो ये है मैंने एक्रेलिक के लिए दिया है एक्रेलिक कलर्स के लिए ट्वेंटी फ़ाइव टू एटी जी एस एम ट्वेंटी फाइव क्रॉस ट्वेंटी फाइव सी एम ये सब मैंने अभी फ़िलहाल शॉप पे जाके ही लिए थे तो ऑनलाइन भी मिल जाएंगे इजीली बट जनरली मुझे पेंटिंग की शॉपिंग करने जाना जाना ज़्यादा पसंद है तो इसलिए ऑनलाइन की बजाय अगर ऑनलाइन तब लेती हूँ जब बहुत जल्दी हो और यू you नो know, मतलब मैं फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं ये जाके लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है शॉप में कुछ और अच्छी चीज़ मिल जाए तो मैं वो ले लूँ इसीलिए मैं चली जाती हूँ क्योंकि लेने तो मैं दो चीज़ें जाती हूँ लेकर मैं दस चीज़ें आ जाती हूँ जो मुझे अच्छा दिखता है एंड ये राउंड स्केच बुक भी ली है मैंने फ़िलहाल इस पर भी मैं अब स्केचेस बनाऊँगी पोर्ट्रेट बनाने के लिए भी बहुत अच्छा है अगर पोर्ट्रेट बना के इसको राउंड शेप में इमेजिन करिए आपका पोर्ट्रेट है आप हैंग करोगे तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा ये दो छोटे छोटे कैनवेस मैंने लिए थे इस पर मैं एक्रेलिक वाला पोर मीडियम ट्राई करने वाली हूँ सो so इसलिए मैंने अभी छोटे साइज़ के लिए जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट तो अगर अच्छे बन जाएंगे देन आई एल हैंग इट लाइक दिस वन और टू ओके ये तो मैंने ऑलरेडी शो कर दिया है एंड ये भी इस पर भी मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा ब्लैंक है प्लस ये और नॉर्मल कॉपीज़ है प्रैक्टिस के लिए एक फिनिश हो जाएगी तब ये ओपन करूँगी दो मैंने ये फोर का बंडल लिया था एमेज़ोन से एंड ये ऑयल पेंटिंग के पेपर्स हैं आप देख सकते हो इस पर मैंने एक ऑयल पेंटिंग की है विल शो यू ये पेपर भी अच्छे हैं इसमें एक्चुअली बस ये है कि ऑयल पेंटिंग ड्राई बहुत जल्दी हो जाती है सो so, अगर आप प्रैक्टिस के लिए ऑयल पेंटिंग करना चाहते हैं और डायरेक्टली कैनवस पे नहीं ट्राई कर रहे हैं सो वन सेकेंड ये मैं बस ऐसे ही ट्राई कर रही थी कि कैसा लग रहा है तो ये काफ़ी थोड़ा थोड़ा एक्रेलिक का ही इफेक्ट दे रहा है मैंने इसको अभी फिनिश नहीं किया है और दो मेरी कोई पेंटिंग बना रही हूँ अगर मुझे इतना अच्छा नहीं लगने लग जाता तो मैं आधे में छोड़ देती हूँ बट देन ये मुझे लगता है कंप्लीट करनी चाहिए क्योंकि इसका बैकग्राउंड काफ़ी सुंदर आ रहा है वाइब्रेंट है बट हाँ ये ड्राइंग बीच में उतनी अच्छे से नहीं आ रही है सो आई थिंक मैं वाइट कलर को थोड़ा सा इम्प्रूव करके इसको दोबारा बनाऊँगी बट ये पेपर मैं आपको शो करना चाहती थी ये इसी शीट से है इसी बुकलेट से है ऑयल पेंटिंग सो इसमें ये था कि मैं जब ऑयल पेंटिंग कर रही थी काफ़ी जल्दी वो ड्राई हो जा रहा था ऑल दो अभी मैं टच करूँगी तो ये पूरी तरह नहीं हुआ है बट हाँ मीन्स कि ये कलर्स का इफ़ेक्ट थोड़ा एक्रिलिक जैसा आ रहा था ये मैं वापस रख देती हूँ एंड दैट्स इट आई थिंक यही था ये मैंने आई थिंक आपको अच्छे से नहीं शो किया है वन सेकेंड ये वाले अच्छा नहीं मैंने आपको दिखा दिए थे ट्वेल्व ब्रशेज हैं काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं सो लेट्स सी अक्रेलिक मेरा कैसे बनता है कॉस्टली भी हैं सेवन फिफ्टी रुपीज़ और राइट एंड ये मेरे कुछ मैं आपको पेंटिंग्स हैं अच्छा ये दो और कैनवस मैंने लिए हैं इसको मैं ऐसे ऐसे करके दो रेगुलर पेंटिंग्स बनाना चाहती हूँ समथिंग एब्स्ट्रैक्ट कुछ डिज़ाइन या कुछ नहीं नथिंग एब्स्ट्रैक्ट बनाऊँगी ये मैंने इतनी बड़ी पेंटिंग बनाई है अब तक का मेरा सबसे बड़ा आर्ट वर्क है ये कमीशन वर्क है इसे मैं अभिषेक करने वाली हूँ सो आई एम रियली हैप्पी जैसा मैं बनाना चाहती थी वैसे ही आया एक्चुअली मुझे एक पेंटिंग शेयर की थी एंड मैंने उसको देख कर ये बनाया है ओबियसली थोड़ा बहुत कलर का वेरिएशन होता है बट देन ओवरऑल पेंटिंग अच्छी आई है ये सब मेरे कुछ वर्क हैं ये मैंने एक्चुअली अभी यहाँ इसलिए रखा है बिकॉज़ मैं इस रूम में इस वॉल पर ऊपर शेल्फ लगाने वाली हूँ एंड इन सारी पेंटिंग्स को हैंग करने वाली हूँ सो so, ये मैंने कवर इसलिए कर दी है बिकॉज़ ये कहीं ख़राब ना हो जाए और ये वाली जो पेंटिंग है आई शो यू ये तो सिंपल बोर्ड में बनी हुई है इसको इसलिए फ्रेम नहीं किया है बाकी को मैंने फ्रेम करवाया हुआ है ये वाली जो पेंटिंग है ये मैंने सेकेंड पीस बनाया है फर्स्ट uh, पीस जो था मेरा काफ़ी पहले सेल हो चुका है आई थिंक मैंने 2015 और 16 में ही सेल कर दिया था उसके बाद मैंने ये दोबारा बनाया बिकॉज मुझे ये बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ये दोबारा बना के अपने पास रखा हुआ है सो दिस इज़ इट एंड ये है एक ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल पीस है ये मेरा ओरिजिनल वर्क है एंड ये भी सेकेंड पीस है ये भी मैं एक सेल कर चुकी हूँ और ये भी बहुत सुंदर लगा था मुझे तो मैंने इसके इसको एक और बार बनाया कॉपी बनाया एंड ये रहा प्लस काफ़ी सारा वर्क मेरा है जो कि मैंने ऐसे रोल में रखा है अगर लगेगा मुझे फ्रेम करना है मुझे हैंग करना है तो मैं ज़रूर करूँगी ये काफ़ी सारे मेरे बुकलेट्स uh, हैं जिसमें मैं प्रैक्टिस करने के लिए रखे हैं काफ़ी प्रैक्टिस वर्क हैं ऐसी कभी कुछ बना लिया अच्छा लगा तो बना दिया या कोई डिज़ाइन नहीं याद आ रही क्या बनाना है रफ़ वर्क है इनकम्प्लीट है तो कुछ कुछ वैसी चीज़ें हैं ये एक नाइफ़ पेंटिंग बनाई थी मैंने बोर्ड के ऊपर पैलेट पैलेट नाइफ से एंड ये ये मैंने एक बहुत सिंपल जब स्टार्ट किया था मैंने अक्रेलिक आई थिंक अक्रेलिक मैं ज़्यादा करती हूँ न्यू सो ये अक्रेलिक जब मैंने किया था तो सबसे सिंपल पेंटिंग्स बनाई थी एंड ये रोल मैं आपको दिखाती हूँ इसको मैंने फ्रेम नहीं कराया है बट ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये बुद्धा जी की है काफ़ी बड़ी है ये तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल है इसको भी मैं फ्रेम करवाऊँगी बिकॉज कोई अगर अच्छी पेंटिंग है फ्रेम करने के बाद ज़्यादा अच्छी लगती है सो so इसको मैंने अभी रखा हुआ था प्रोटेक्ट करके लेकिन अभी इसको मैं फ्रेम करवाने वाली हूँ एक बार मेरे वॉल पे शेल्फ्स अच्छी से लग जाए देन मैं इसको फ्रेम करूँगी ये भी एक बहुत बड़ा साइज़ की पेंटिंग है ये आई थिंक मैंने को चक्र बनाया हुआ है एंड ये भी प्रैक्टिस की ही हैं इसमें भी मैंने काफ़ी ऐसी बनाई हैं रैंडम जब मैं स्टार्ट कर रही थी लर्न कर रही थी काफ़ी अनकम्प्लीट इनकम्प्लीट वर्क भी होगा आई थिंक इसमें यस yes. ये एक है ये भी अक्रेले का आई थिंक हाँ ये अक्रेले का ये ऑयल नहीं है ये ऐसी लैंडस्केप ट्राई किया था ये मैंने बहुत पहले जब मैंने को लर्न नहीं किया था तो मैं एक्चुअली जब फेस बनाती थी तो पेंटिंग में टू डी सा बन जाता था आप देख सकते हो इसमें कुछ ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं आए फेस पे प्लेन कलर कर दिया है बट मैंने जब पेंटिंग लर्न करी कैसे करना है देन आप देख सकते हो डिफरेंस स्किन टोन में काफ़ी डिफरेंस है फेस थोड़ा सा यू नो थ्री डी सा लुक आता है सो दैट्स रियली नाइस ये मैंने लर्न करने के बाद ट्राई किया ये कैसे ही है ये भी बहुत पहले बनाई थी दैट्स इट आई थिंक यही है प्लस इस वॉल को मैं फिनिश करके यहाँ पर भी कुछ शेल्फ लगाऊंगी एंड ये मेरा शूटिंग का डिवाइस है ये अभी अभी नया नया लिया है मैंने सो so अमेज़ोन से लिया है डिजीटेक का एंड ये छोटी सी मैंने लाइब्रेरी जैसा बनाया है बुक्स रीड करने के लिए मुझे बुक्स रीड करना बहुत पसंद है सो so ये सारी बुक्स हैं एंड प्लस ये एक मैंने राम कैनवस पे बनाया था छोटी सी मैंने यहीं हैंग कर दी है सो फाइनल लुक आप देख सकते हैं दिस इज़ हाउ माई आर्ट प्लेस लुक्स लाइक सो जब भी मैं नाइट में पेंटिंग करती हूँ तो इसी रूम में पेंटिंग करती हूँ प्रैक्टिस भी करती हूँ तो इसी रूम में प्रैक्टिस करती हूँ बट अगर मुझे दिन में बनाना है वेदर अच्छा है तो मैं बालकनी में बैठ के इसको uh, उठा कर लेके जाती हूँ एंड ये मेरा पूरा शेल्फ जो है इसमें यू you नो know, ये मूवेबल है तो मैं इसको पूरा रोल करके लेके जाती हूँ सो दैट मैं कन्वीनटली वहाँ बैठ के बनाऊँ बिकॉज़ इस रूम में सन uh, उतनी नहीं आती सो so इसलिए सिर्फ रात में मोस्टली यहाँ बनाती हूँ ऑल राइट सो कैसा लगा आपको ये आर्ट जोर मेरी पेंटिंग्स प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ऑल राइट स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाय बाय से बाय ओ बाय